हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये वाला ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि किसी भी पार्टी वेडिंग के लिए परफेक्ट है। किसी भी फेस्टिवल के लिए अगर आप कोई किसी भी पार्टी वेडिंग में जा रहे हैं, ईजिली इस लुक को कैरी कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, ईजी स्टेप्स के साथ मैंने आपको इसको करना बताया है। बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक देता है। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। मैंने नोटिस किया है कि आपको मेरी मेकअप वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको और ज़्यादा मेकअप ट्यूटोरियल दे सकूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज आप स्किन में ज़रूर लगाएं, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका मेकअप स्किन के अंदर चला जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आपकी स्किन जो है एक्ने वगैरह हो सकते हैं। मॉइस्चराइजर लगा लें, एक अच्छा मॉइस्चराइजर स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, मेकअप से पहले भी बाद में भी। उसके बाद प्राइमर लगा लेंगे, SFR का हाई डेफिनेशन प्राइमर पूरे फेस पे लगाऊंगी टी जोन पे फोकस करके। उसके बाद मैंने सबसे पहले आई मेकअप करना है, तो उसके लिए मैं अपनी लिड को प्रेप कर लूँगी, पहले कंसील कर लूँगी उससे, और उसके बाद मैं पाउडर इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ठीक है, आप देख लेंगे मक्खन की तरह ब्लेंड हो जाता है ये कंसीलर, बहुत ही अच्छा लुक देता है, एकदम नेचुरल लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। थोड़ा सा एक्सेस पाउडर लगाऊंगी मैं अपनी लिड पे, क्योंकि गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा आपको क्रीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बाकी जो एक्सेस बच जाता है मैं ब्रश की हेल्प से एक्सेस को रिमूव कर दूंगी। उसके बाद ये मैंने ब्राउन शेड लिया है, उसको मैं अपनी एक ब्रश की हेल्प से, फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन में डिफाइन करूंगी, ताकि हमारी आईज़ को एक अच्छी सी डेप्थ मिल जाए। उसके बाद ये पिंक शेड मैंने अपनी पैलेट में से लिया है, एक मजेस्टिक ब्यूटी की ये पैलेट है, उसमें सारे शेड्स हैं, बाकी शिमरी शेड्स भी हैं इसमें, और इसमें से मैंने अपनी आउटफिट से मैचिंग पिंक शेड, एग्जैक्ट पिंक शेड इसमें था, तो वो मैंने लेके एक पतला सा ब्रश है, पेंसिल ब्रश टाइप, उसमें पहले मैंने प्रोडक्ट को लिया है, प्लेस किया है अपनी आउटर वी पे और इनर वी पे, और दोनों को ज्वाइंट करेंगे अपनी क्रीज लाइन में। ठीक है, ये स्टेप बहुत ही अच्छा, बहुत एलिगेंट लगता है, और बीच का जो एरिया बच जाता है उसमें आप अपना जो आउटफिट में कोई और कलर है, तो जैसे दुपट्टा किसी और कलर का होता है, हमारा सूट किसी और कलर का होता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए मेकअप करने का। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का मेरा दुपट्टा है इसमें, तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर अपनी सेंटर लिड पे लगा लूँगी। शिमरी शेड है बाय द वे, ये जो ग्रीन कलर वाला मैं लगा जो पिंक वाला और ब्राउन वाला लगाया था वो मैट था। ठीक है, उसके बाद लाइनर ड्रॉ करेंगे, एक विंग लाइनर मैं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ब्रॉड विंग लाइनर नहीं बनाऊंगी, सिंपल सा बनाऊंगी, क्योंकि आई मेकअप ऑलरेडी हमारा हैवी हो गया है। ठीक है, छोटी सी विंग बनाऊंगी, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल लाइनर लगा सकते हैं। ओके, तो ये है लैक्मे का इंस्टा लाइनर, माय ऑल टाइम फेवरेट। उसके बाद मेबलिन का हाइपर कल मस्कारा लूँगी, ये वाटरप्रूफ वाला है मस्कारा, तो आप इसको लोअर और अपर लैशेस पे लगा लें। ठीक है, उसके बाद हम फॉल्सेस भी अप्लाई करेंगे। काजल के लिए मैं ले रही हूँ LA Teen का काजल, माय फेवरेट काजल। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम इसको परचेज़ किया, मैंने बहुत इसके रिव्यू सुने थे, मुझे अच्छा लगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा 70-80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, मैंने इसे अमेजोन से मंगवाया है। उसके बाद आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे, स्विस ब्यूटी की पैलेट में से ब्राउन शेड लेके एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनिश के साथ फिल करूँगी, तो आप देख लें बड़ी इजीली आईब्रो फिल हो जाते हैं, तो दोनों आईब्रोज को मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ, आप देख लें डिफरेंस देखें गाइस। उसके बाद मैं स्टे कॉर्गी का फाउंडेशन, मेरा फेवरेट फाउंडेशन है गाइस, और शेड नेम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, और इसको मैं डॉट डॉट करके पहले पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, नेक पे भी अप्लाई ज़रूर करें, और ईयर पे भी आप जो भी ब्रश सॉरी ब्यूटी ब्लेंडर में आपका प्रोडक्ट होता है, ईयर पे भी थोड़ा सा लगा लें एक नेचुरल फिनिश के लिए। ठीक है, आप देख लें यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, पूरे फेस पे आपको ब्लेंड करना है, ये आपको लो टू मीडियम कवरेज देता है, फुल कवरेज फाउंडेशन ये बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 120-130 का मिल जाता है, MRP इसकी ज़्यादा, लेकिन purple.com पे हमेशा ऑफ रहता है इस पर, 130 का मैंने आई थिंक लिया था इसको, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और कंसीलर सेम मैं लूँगी स्विस ब्यूटी का, उसको मैं अपनी अंडर आइज़ में लगाऊंगी, थोड़ा सा हाईलाइटिंग पर्पज़ के लिए, फोरहेड पे, नोज पे, क्यूटिप पे, चिन पे लगा के उसको अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर आपको लेना है, अगर आपको नहीं पता ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज़ करते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी उस पर। वैसे तो बहुत ईजी है, आपको डिप करना होता है पानी में, एक बाउल में पानी लें, उसमें डिप करके रखें दो से चार मिनट तक, और उसके बाद आपको उसका एक्सेस पानी जो निकाल देना है, और बाकी आप उस ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अंडर आइज में पाउडर सेट करूंगी लैक्मे का जो ये रोज पाउडर है, ठीक है। अगर अभी समर आ गई है तो बेकिंग करना बहुत ज़रूरी है, काइंड ऑफ बेकिंग मैं करूँगी यहाँ पर, और बेकिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपकी ड्राई स्किन है। और गर्मी में वैसे भी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ऑयली स्किन का वालों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ड्राई स्किन वाले भी बेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रीज होने का चांस कम हो जाता है फाउंडेशन वगैरह कंसीलर वगैरह। ब्राउनिंग मैं फेस की कर लूँगी, पाउडर ब्राउनिंग करूँगी, कोई भी क्रीम कंटूरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि समर आ गया है। वैसे भी मैं प्रेफर नहीं करती क्रीम कंटूरिंग में, अगर आप ना जाएँ तो बेहतर होगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप पाउडर कंटूरिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नोज़ को भी काउंटर कर लिया, एक्सेप्ट प्रोडक्ट को मैंने जो हमारा पाउडर था उसे निकाल दिया है। ब्लश यहाँ पर SFR की पैलेट है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल पैलेट है, मैंने आई थिंक 200 की ली थी, फ्लिपकार्ट से मैंने ली थी इसको। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, लगाऊंगी चीक्स पे, थोड़ा सा नोज पे, एक नेचुरल फिनिश के लिए, आप देख लें। उसके बाद मैं हाईलाइटर ले रही हूँ, यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर, शेड है इसमें प्रेशियस पेटल, तो बहुत ही मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट हाईलाइटर है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको अच्छा अफोर्डेबल में, मुझे 50% ऑफ पे ये मिला था, इसकी MRP आई थिंक 499 है, मुझे 249 का मिल गया था, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। पूरे सारे हाईएस्ट पॉइंट को मैं इससे हाईलाइट कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर दो लिपस्टिक यूज़ करूँगी, एक किस ब्यूटी की लिपस्टिक है, ये दोनों लोकल स्टोर के हैं, दूसरी है हिलारी रोडा की लिपस्टिक। आप मुझसे लिपस्टिक के लिपस्टिक का शेड बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन मेरी सारी ऑलमोस्ट लिपस्टिक जो है लोकल स्टोर की है, तो मैं आपको लिंक नहीं दे पाती, सो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मैंने सेटिंग से लेके पूरे मेकअप को सेट कर लिया, आप देख लें। और लैशेस मैंने ऑफ कैमरा लगाई थी, बिंदी यहाँ पर मैं रेड कलर की लगा रही हूँ, आप चाहे तो पिंक भी लगा सकते हैं, ग्रीन भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसके साथ रेड बिंदी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लिया। गाइज अगर आपको हेयर स्टाइल की वीडियो देखनी है तो मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियो ऑलरेडी हेयर स्टाइल की अपलोड कर दी हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं किया कर लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने ज्वेलरी जितनी भी पहनी है ये सारी लोकल स्टोर की, लिंक नहीं दे पाऊंगी सॉरी। तो बहुत ही अच्छा इजी हेयर स्टाइल है, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर लेना। सो आगे ये था मेरा फाइनल फिनिश लुक, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।